जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं हुस्न और इश्क। भारत पाकिस्तान का बंटवारा आजादी के दो दिन बाद यानी 17 अगस्त 1947 को हुआ था। ब्रिटिश शासन ने सर सैर रेडक्लिफ को भारत की सीमाओं और पाकिस्तान की सीमाओं को तय करने का जिम्मा दिया था और बंटवारे के बाद यानी पाकिस्तान में तकरीबन एक साल तक यानी 1948 तक भारत की ही करेंसी चलती रही, यानी भारत की नोटें चलती रही। बस फर्क इतना रहता था कि वहाँ की करेंसी पे पाकिस्तान की मुहर लगाकर उस पर चलाया जाता था। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये भारत पाकिस्तान अलग नहीं हुआ होता तो ये कितने बड़े क्षेत्रफल में रहता, इतना बड़ा हिंदुस्तान, और कितनी एकता से सब लोग रहते, झगड़े फसाद नहीं होते। लेकिन अब तो हो गया है, अब क्या करना, अब जो है आगे का सोचेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा और शेयर। बंटवारे के बाद पाकिस्तान में 46.7 यानी 46.7% हिंदू भी थे, लेकिन वहाँ से वो धीरे धीरे हिंदुस्तान की तरफ रवाना हो गए और यहाँ पे जो मुस्लिम थे वो पाकिस्तान की तरफ रवाना हो गए। इस तरह से वहाँ पे हिंदू कम हो गए और यहाँ की कुछ आबादी जो है मुसलमान की वहाँ पे जाके बस गई। नहीं तो फिर ये हमारे दिल्ली में मुसलमानों की आबादी इतनी थी कि एक तिहाई आप मान लीजिए। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई, बहुत सारा पता नहीं क्या क्या हुआ, तब जाके जो है ये विभाजन कम्प्लीट हुआ। लेकिन ये तो मैं छोटा सा हिस्सा जो है आपके सामने रखा था और बहुत सारा हिस्सा अभी बाकी है। तो अगली वीडियो आएगी बहुत जल्द, तो उसका इंतजार करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों।